छोटी सी उम्र में बहुत सारा बोझ है इसके ऊपर, परेशान रहता है। दिनार, यानी एक ही रोड पे आपको कई सारी चीज यहाँ पर मिल जाएंगी। इसको भी स्विमिंग पूल में जाना है, इसलिए यहाँ पर साथ में आया। यानी मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे यहाँ पे। पूरा भीड़ लग गया है, बंदे को बचाया, अभी डूबता डूबता बचा ये। तो जनाब कैसे हैं आप? उम्मीद है मजे में होंगे आप। तो आज हम आपके लिए कुछ ठंडा ठंडा कूल कूल लेकर के आए हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो चलिए बताते हैं हम आपको कि आज हम आपको कहां पर लेकर के जाने वाले हैं। तो आज के व्लॉग में हम जाने वाले हैं यहां पर एक स्विमिंग पूल में नहाने के लिए, जो कि ये शायद मेरा फर्स्ट टाइम होगा जब मैं किसी स्विमिंग पूल में जा रहा हूं नहाने के लिए। क्योंकि यहां पर अभी जो गर्मी का मौसम है ना, वो एकदम पूरे शबाब पर है, बहुत ही ज़्यादा वाली गर्मी पड़ रही है यहाँ पर कुवैत में। सो इससे पहले अभी तक हम लोग यहाँ पर वाटर पार्क में गए, उसके बाद में जेट स्की मैंने चलाया, उसके बाद में हम लोग सालमिया में गए, सी बोट के भी मज़े लिए, और फाइनली आज हम जा रहे हैं यहाँ पर स्विमिंग पूल में नहाने के लिए। और आज के व्लॉग में मेरा फ्रेंड सुमित भी मेरे साथ में जाएगा, तो हम दो लोग हैं। सो चलो चलते हैं, पहले अभी हम यहाँ पर पता करते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है। ओके, तो भैया हम निकल चुके थे स्विमिंग पूल की तलाश में, और अकॉर्डिंग टू गूगल बाबा हमको जो लोकेशन मिली थी वहाँ तक कोई डायरेक्ट बस नहीं थी, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि कुछ दूर तक हम बस से जाएंगे और कुछ दूर तक हम टैक्सी से जाएंगे। तो इंडियन आदमी है ना, जुगाड़ लगाए बगैर कुछ होता नहीं है। और एक बात यहाँ पर और बता दूँ कि ये मेरे साथ में जो सुमित है ना, ये काफ़ी दिनों के बाद में ब्लॉग शूट करने जा रहा है मेरे साथ में। काफ़ी परेशान रहता है यार, छोटी सी उम्र में बहुत सारा बोझ है इसके ऊपर, परेशान रहता है। बताओ हमारी जनता को, ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा था तुम्हारा, क्यों नहीं ब्लॉग शूट कर रहे थे? परेशान है, परेशान, बहुत परेशान रहता है बेचारा। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर हवेली के पास आ गए, यहाँ पर एक ब्रिज है और ये रोड जो जा रही है सीधा जा रही है कुवैत सिटी, लेकिन हमको जो जाना है स्विमिंग पूल में, वो लोकेशन मोबाइल में मैं ओपन करके रखा हूँ। ये लोकेशन जा रही है यहाँ पर एक शाब नाम की एक जगह है, और ये सालमिया के पास में ही कॉम्प्लेक्स पड़ता है। तो अभी हम यहाँ से एक टैक्सी करेंगे और वो हम टैक्सी लेकर के जाएंगे स्विमिंग पूल तक। ओके, तो अभी वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कोई टैक्सी वाला मिले तो हम वहाँ पर जाते हैं। ओके, हम सा देखिए कम फ्लूस दिनार। तो अभी हम लोग यहाँ पर टैक्सी में बैठ चुके हैं, क्योंकि वो जो बस थी वो डायरेक्ट वहाँ तक हमको लेकर के नहीं जा रही थी। और मेरे साथ में ये भाई साहब मिले हैं जो कि अपने हिंदी नहीं है, मसरी, वेन इन द फ्रॉम वेरी फ्रॉम मसर, ये इजिप्ट के हैं भाई साहब, तो इनको हिंदी मालूम नहीं है। ओके, फिलहाल अभी हम लोकेशन पर पहुँच के आपसे मिलते हैं। ओके ओके गाइस, तो अभी हम लोग जो एग्जैक्ट लोकेशन है ना इसकी स्विमिंग पूल की, वहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। और इसकी जो लोकेशन है वो यहाँ पर मरीना बीच जो है ना सालमिया में, उसी रूट पे, एकदम उसी रोड पे पड़ता है। उसके आगे यहाँ पर सिल्सन बोर्ड का एक ऑफिस जो पड़ता है, उसी के जस्ट आगे यहाँ पर पड़ता है। तो ये वो कुछ यहाँ पर लोकेशन है जहाँ पर ये लिखा हुआ स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स नाम की एक जगह है, जहाँ पर हमको अभी अंदर जाना है। और उसके बाहर में ये कुछ इस तरीके का यहाँ पर नज़ारे हैं। तो चलो चलते हैं अंदर और देखते हैं इसके अंदर भी एंट्री फीस क्या है, और अंदर का कैसा क्या इसके अंदर माहौल बना है, कैसा क्या इसको अंदर स्विमिंग पूल है, कैसा क्या इसको डेकोर करके रखा हो, सारा कुछ इसके अंदर हम चल करके देखते हैं और पता करते हैं। ओके, सो भाई लोग अभी हम लोग यहाँ पर जैसे ही अंदर आए ना, तो एक लोचा हो गया, वो लोचा ये हुआ कि यहाँ पर जो टाइमिंग है ना, दो दो घंटे पर यहाँ पर ओपन या क्लोज होता रहता है। तो अभी यहाँ पर बजने वाला है 5, और 5 बजे के बाद में ये जो स्विमिंग पूल है उसकी एंट्री बंद हो जाती है, और 5 से 6 बजे तक बंद रहता है। 6 से 8 फिर दूसरी शिफ्ट चालू होती है, यानी अगली शिफ्ट चालू होती है। तो अभी हम लोग यहाँ पर करीब 4:30 बजा है, 4:45, तो 6 बजे तक अभी हमको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में 6 बजे वाली शिफ्ट में हम लोग यहाँ पर अंदर जाएंगे, तो कुछ टाइम यहाँ पर हम वेट करें, उसके बाद में देखते हैं अभी आगे क्या होता है। ओके, तो जनाब जब हम स्विमिंग पूल के बाहर वेटिंग में लगे हुए थे, उस दौरान हमने कुछ सिनेमैटिक शॉट लिए थे, तो वो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, और देख करके बताइएगा कि कैसे लगे। अगर अच्छा लगे तो अंगूठा ज़रूर दबा देना। ये अंगूठा क्या होता है? अरे वही यार जिसे लाइक बटन कहते हैं।
सो गाइज अभी हम लोग ये जो स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स है ना इसके बाहर अभी हम लोग वेटिंग में हैं और यहाँ पर जो बाहर के कुछ नज़ारे हैं उनके हम कुछ शॉट यहाँ पर ले रहे हैं क्योंकि 6 बजे के बाद में यहाँ पर दूसरी शिफ्ट चालू की उसमें हम लोग यहाँ पर अंदर जाएंगे। सो जब तक हम वेट करें तब तक हम यहाँ पर जो आसपास का एरिया है उसको हम थोड़ा बहुत अपने कैमरे में हम यहाँ पर कैप्चर कर रहे हैं और वो सारा कुछ हम आपको वन बाय वन इसमें दिखा भी रहे हैं। सो अभी कुछ और यहाँ पर सी साइड यहाँ पर बाहर मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ किस तरीके का यहाँ पर बना हुआ है। सो ये कुछ यहाँ पर बाहर में कुछ बना हुआ है, यहाँ पर एक सी साइड है जहाँ पर कुछ पब्लिक यहाँ पर नहा रही है, कुछ यहाँ पर मेल है फीमेल है हर कोई यहाँ पर नहा रहा है। और इस तरफ में ये स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर अभी हमको एंट्री करनी है। सो जब तक यहाँ पर हमारी एंट्री होती तब तक यहाँ पर हम जो शॉट हैं वो हम लेते हैं, उसके बाद में हम फिर जब यहाँ पर एंट्री होगी हमारी तब हम आपको अंदर के नज़ारे दिखाएंगे। ओके सो गाइस एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर ये जो स्विमिंग कॉम्प्लेक्स है ना ये यहाँ पर सालमिया के पास में ही पड़ता है जहाँ पर ये मरीना बीच है ना उसी ये एक सेम रोड जो है ना सेम स्ट्रीट है उसी लाइन में कई चीज़ें यहाँ पर पड़ती हैं, जैसे कि जहाँ पर जिस रोड पर यहाँ पर मरीना बीच पड़ता है मरीना मॉल पड़ता है उसी रोड पर यहाँ पर साइंटिफिक सेंटर पड़ता है, उसी रोड पर यहाँ पर म्यूज़ियम पड़ता है शेख अब्दुल्ला सालिम कल्चर सेंटर वो म्यूज़ियम पड़ता है, उसी रोड पे यहाँ पर ये स्विमिंग कॉम्प्लेक्स पड़ता है। और यहीं से जब आप आगे चल कर के जाएंगे तो यहाँ पर आपको ग्रीन आइसलैंड भी मिल जाएगा और इसी रोड पे जब आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्वेट टावर भी मिल जाएगा। मतलब ये कि ये जो रोड है ना इसी रोड पर आपको कई सारे जो है टूरिस्टी प्लेस मिल जाएंगे जहाँ पर आप आकर के इंजॉयमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ बैक कैमरे से, जैसा कि मुझे यहाँ से सामने से दिख रहा, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, वहाँ पर सामने क्वेट टावर दिख रहा है और उसी के जस्ट आगे जब आप आएंगे तो वहाँ पर वो ग्रीन आइसलैंड दिख रहा है और इसी रोड से जब आप चलते हुए आगे आएंगे तो यहाँ पर सामने ये म्यूज़ियम पड़ जाएगा शेख अब्दुल्ला सालिम कल्चर सेंटर और उसके बाद में ये है स्विमिंग कॉम्प्लेक्स और जब आप यहाँ से आगे चल करके जाएंगे तो उस तरफ आपको मिल जाएगा मरीना मॉल और मरीना बीच, यानी एक ही रोड पे आपको कई सारी चीज यहाँ पर मिल जाएंगी। सो गाइस अभी हम लोग वहाँ से चलते चलते यहाँ तक आ गए हैं और यहाँ पर देखो ये जो सी साइड है यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक यहाँ पर एंजॉय कर रही है पानी के अंदर क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर पब्लिक आपको पानी के अंदर मिल जाएगी। ओके सो भाई लोग फाइनली अभी हम लोगों ने यहाँ से टिकट ले लिए, 6 बज चुका है और ये हमने 2 टिकट लिए हैं, उसके बाद में इसमें जो टिकट है वो 2 KD का 1 पर्सन का टिकट है और उसके बाद में रूबा दिनार का यहाँ पर जो है लॉकर रूम मिलता है जिसकी हम लोग को की मिली है और ये 2 टिकट में एक है लॉकर रूम की स्लिप और दूसरी है टिकट की स्लिप। और यहाँ पर जो एंट्री है ना फीमेल की यानी फैमिलीज़ की एंट्री दूसरे एरिया में है और वेचलर की जो एंट्री है स्विमिंग पूल वो अलग है, यानी फैमिली की और वेचलर की एंट्री जो ना वो अलग अलग है। और ये देखो कौन आ गया इसको भी स्विमिंग पूल में जाना है इसलिए यहाँ पर साथ में आया आया है आई है पता नहीं क्या है मेल है फीमेल है। अरे ओके सो चलो अभी हम लोग की जो एंट्री है स्विमिंग पूल में वो दूसरे गेट से करनी है क्योंकि बैचलर लोग का अलग से स्विमिंग पूल बना के रखा है और फैमिली वालों का अलग से स्विमिंग पूल है। सो हम लोग जहाँ पर हम लोग को जाना है वहाँ पर चलते हैं। ओके सो भाई लोग अभी हम लोग की यहाँ से एंट्री हुई, यहाँ से हम लोग बाहर से अंदर चल के आए हैं, ये यहाँ का गेट है और यहाँ से एंट्री होते ही यहाँ पर कुछ इस तरीके का बनाया हुआ है और हमको जाना है इस तरफ अंदर में, तो देखते हैं अभी अंदर कैसा क्या बनाया है। ओके सो हम लोग यहाँ पर लॉकर रूम के अंदर आ चुके हैं और ये हमको लॉकर रूम की मिली थी वहाँ से स्टोर से और हमारे जो लॉकर रूम है वो है 128 और ये कुछ यहाँ का लॉकर रूम है काफ़ी अच्छा और बड़ा बनाया हुआ है। सो अभी हम यहाँ से चेंज करेंगे उसके बाद में चेंज होकर के हम आपको मिलते हैं। ओके ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ओके सो भाई लोग ये है हमारा कुछ आउटफिट अभी नहाने के लिए, ये हम लेकर के आए थे क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग जब वाटर पार्क में गए थे ना तो वहाँ पर सुमित को ख़रीदना पड़ा था और काफ़ी वो महंगा पड़ गया था इसलिए हम दोबारा फिर से लेकर के आएंगे। तो अभी हम यहाँ पर जाएंगे स्विमिंग पूल के अंदर और देखते हैं वहाँ पर अभी कैसा क्या बना के रखा है। ओके ओ भाई साहब क्या बनाया है ये, ओ शिट
ओ तेरी भाई लोग, अभी यहाँ पर ये जंपिंग के लिए बनाया है, पता नहीं काफी ज्यादा हाइट है यार इसकी, और यहाँ से बंदे लोग जंप कर रहे हैं पानी के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर। तो भाई लोग यहाँ पर दो स्विमिंग पूल बना के रखे हैं, एक ये रहा और इसी के बगल में एक ये दूसरा स्विमिंग पूल रहा, यानी दो स्विमिंग पूल बना के रखे हैं। और इसमें यार काफी ज्यादा पब्लिक है यार, देखो कितनी ज्यादा यहाँ पर पब्लिक है, बच्चे और बड़े सब नहा रहे हैं यहाँ पर। और ये यार ये मेरा शायद पहली बार है, इससे पहले मुझे कभी याद नहीं कि मैं कभी स्विमिंग पूल में कभी मैंने नहाया भी है या नहीं, मुझे याद नहीं है। सो यहाँ पर कुवैत में मेरा फर्स्ट टाइम है और सुमित का भी ये फर्स्ट टाइम है। इससे पहले हम लोग इंडिया में जो नदी नहर या झील जो होती है ना, रिवर, उसी के अंदर हम लोगों ने नहाया है। सो स्विमिंग पूल के अंदर ये हमारा यहाँ पर कुवैत में फर्स्ट टाइम होगा। सो चलो चलते हैं पानी के अंदर और देखते हैं कैसा क्या यहाँ पर पानी, ठंडा है या गर्म है, कैसा क्या है, सारा कुछ अभी हम आपको दिखाते हैं। ओके ओके, तो भाई लोग एक चीज़ मुझे और यहाँ पर बतानी है कि ये जो स्विमिंग सेंटर है ना, स्विमिंग कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर बच्चों को या बड़ों को ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिनको तैरना नहीं आता है या स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना है तो उनके लिए यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाती है, उसका अलग से यहाँ पर चार्जेस हैं, वो मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पर लगा दूंगा। ओके यार मैं एक बात बताऊं, कसम से मेरा बहुत ही ज़्यादा मन था उसमें, जो लोग जंपिंग मार रहे हैं ना वहाँ पे, उसमें बहुत ही मेरा मन था कि वहाँ से जाके ऊपर से मैं जंप मारूं ऊपर से, लेकिन वहाँ का जो गार्ड है ना, जो स्टाफ है, उसने बोला कि यहाँ पर उन लोगों का अलाउड नहीं जो लोग तैर नहीं पाते हैं, जिनको तैरना आता है, स्विमिंग आती है, वही लोग यहाँ पर जा सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गहरा है। जिन लोगों को तैरना नहीं आता ना, वही लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पर, देखो इसमें सबसे ज़्यादा लोग हैं मेरे, यानी मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे यहाँ पे। भाई लोग ये बंदा अभी यहाँ पर डूबते डूबते बचा है, इसको ये गार्ड लोगों ने यहाँ पर बचाया, बहुत साफ सब बच गया। यहाँ पर थोड़ा गहरा कम है और वहाँ पर उस साइड में जो है बहुत ज़्यादा गहरा है, तो वहाँ पर ये बंदा है ना, ये बंदा अभी डूबते डूबते बचा है, वहाँ तक चला गया था, किसी जो गार्ड है ना, गार्ड की नज़र पड़ी, देखो ये उसको हड़का रहा है, ये उसको हड़का रहे, डूबता डूबता अभी बचा, वहाँ तक चला गया, उधर गहरे वाले एरिया में चला गया था, पूरा भीड़ लग गया, ये बंदे को बचाया, अभी डूबता डूबता बचा ये, अब गार्ड इसके ऊपर चिल्ला रहा। ओके गाइस, सो अभी हम लोग जस्ट अभी यहाँ से स्विमिंग पूल से नहाने धोने के बाद में बाहर आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ का जो टाइम था वो 6 से 8 की जो शिफ्ट थी उसमें हम लोग गए थे और 6 बजे हम लोगों ने एंट्री की थी और 8 बजे एग्जैक्ट हम लोग यहाँ से बाहर निकले हैं, क्योंकि टाइम ख़त्म हो रहा था, इसलिए जो यहाँ का स्टाफ था उन लोगों ने सारे आदमी लोग को सबको निकाल दिया और 2 घंटे यार हम लोगों ने फुल यहाँ पर इंजॉय किया। तो ये कुछ यहाँ पर हमारा एक्सपीरियंस रहा था। सो अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते तो यहाँ पर आप आ सकते हैं, सालमिया के पास में जो मरीना बीच है उसी के पास में ये लोकेटेड है और 2 KDs का एंट्री फीस है और रूबा दिनार का यहाँ पर जो है इसका लॉकर रूम मिलता है, तो कोई खास ज़्यादा चार्जेस भी नहीं है, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। वैसे भी यहाँ पर अभी गर्मी का टाइम चल रहा है कुवैत में, बहुत ही ज़्यादा अपने गर्मी बिल्कुल समझ लो एकदम शबाब पे, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पर आने का प्लान बनाया था। सो फिलहाल अभी इस व्लॉग को हम एंड करते हैं, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में, और व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में किसी और नई लोकेशन पे किसी और नए व्लॉग के साथ में। सो तब तक के लिए बाय बाय।